ओके गाइस सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन अभी हम लोग एक काम करेंगे क्योंकि आप लोगों की प्रीवियस क्लास मिस हो गई थी तो उसके लिए जो है ना मैंने एक एक यहां पे भी मैं एक लेक्चर बना रहा हूं ठीक है सो आई वुड वांट यू टू पे अटमोस्ट अटेंशन टू वट आई एम गोइन बी डूइंग राइट नाउ अच्छा सबसे पहली चीज़ है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपको के वी एल और के सी एल अच्छे तरीके से आना चाहिए वरना ये वाले सवाल जो भी हम लोग चीज़ें कर रहे होंगे वो थोड़ी सी मुश्किल लगेंगी तो प्लीज़ आपको मैंने वो करवाया भी था तो वह आप जरूर देख लो ठीक है एनी वेज लेट्स बिगिन विद स्मॉल अमाउंट ऑफ रिविजन जो कि बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से हमने कर लेनी चाहिए थोड़ी सी रिविजन और फिर हमने चलना चाहिए सबसे पहले हमारे पास करंट का जो कॉन्सेप्ट होता है

स्टेप साइज होता है इसका ये जो इलेक्ट्रिसिटी का या करंट का या चार्ज का वो होता है 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू पावर माइनस नाइनटीन कूलम्स ये जो आपके पास जो मैंने अभी बात लिखी है ना इसको हम लोग कहते हैं फंडामेंटल चार्ज ठीक है charge, अब ये चीज़ रियलाइज करना है कि जो चार्ज होता है ये मल्टीप्लाईड बाय वन हो सकता है मल्टीप्लाइड बाय टू हो सकता है मल्टीप्लाईड बाय थ्री हो सकता है मल्टीप्लाई बाय फोर हो सकता है फाइव हो सकता है लेकिन कभी भी वन पॉइंट टू से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता वन पॉइंट थ्री से नहीं हो सकता मतलब आप समझ लो कि इसको डेसिमल वैल्यू से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते दैट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस थिंग ठीक है फिर हमारे पास आता है ये कॉन्सेप्ट आता है कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस अच्छे तरीके से आपको मैंने करवाया था तो वो आप लोगों को याद होना चाहिए ओ लेवल्स अगर आप करके आए हो तो यू नो दिस इज द वर्क डन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू वन अदर इसका यूनिट हमारे पास वोल्स होता है रेसिस्टेंस इज डिफाइंड एज पोटेंशियल डिफरेंस ओवर करंट तो ये आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए अब हमारे पास आता है करंट इंड चार्ज कैरियर्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अ सर्किट इज कंप्लीटेड द करंट इन द सर्किट इज सेटअप ऑलमोस्ट इमीडिएटली यानी आपका कहने का मतलब है कि अगर एक सिंपल सा सर्किट भी आप सेट करते हो उसके अंदर अगर आपने सिंपल सी बात है ऐसे सिंपल सर्किट के अंदर भी अगर आपने जैसे स्विच को फ्लिप करते हो अपॉन फ्लिपिंग द स्विच यू नो दिस फैक्ट कि इमीडिएटली करंट फ्लो होगा और अगर आपके पास लैम्प है वो इमीडिएटली ऑन हो जाएगा दिस ऑलमोस्ट एट द स्पीड ऑफ लाइट अब सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा क्यों हुआ अब ऐसा क्यों हुआ ये हम लोग डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्या होता है लेकिन मज़े की बात ये है कि हमारे पास जो चार्ज कैरियर्स होते हैं जैसे फॉर इलेक्ट्रॉन्स इन अ मेटल वगैरह होते हैं वो बहुत स्लोली मूव कर रहे होते हैं लेकिन ऐसा क्या हुआ कि हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि व्हाई एवरीथिंग हैपेंस इंस्टेंटेनियसली नोइंग द फैक्ट दैट कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जैसे मेटल्स की बात कर लेते हैं मेटल वायर है वो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है वो तो बहुत स्लोली मूव कर रहे होते हैं ऐसा क्यों बात करते हैं જરા મારી વાત સુનો મેરે પ્યારے બચ્ચો સબસે ઇમ્પોર્ટન્ટ ચીઝ યે હે યુ નીડ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધીસ થિંગ કે સપوز કરો કે મેરે પાસ એક યે મેટલ વાયર હે ઠીક હે યે મેરે પાસ એક મેટલ વાયર હે जिसको मैंने उठा के बना दिया इधर ठीक है ये મેટલ વાયર હે યે ભી મેટલ વાયર હે અબ મેને એક કામ kiya કે ઇસકે સાથ જો હે ને اس સાઇટ કે સાથ મેને એક બેટરી કનેક્ટ કરી લીએ लेट दिस बी टर्मिनल ऑफ़ द बैटरी लेट सपोज ये नेगेटिव टर्मिनल है ये मेरे पास पॉजिटिव टर्मिनल है और ये मैंने इधर कनेक्ट कर ली और इसके साथ मैंने इधर कनेक्ट कर लिए अब आइडिया और सपोज़ करते हैं कि हमारे पास जो है इस साइड पर उठा कर एक लैम्प भी लगा हुआ है लेट दिस बी अ लैम्प ठीक है अब आइडिया क्या है ज़रा समझने की कोशिश करना इसके अंदर हमारे पास वैसे ही बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे बैक टू बैक समझ लो ठीक है यूँ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है हमारे पास बैक टू बैक अब आइडिया ज़रा समझने की कोशिश करना कि क्या होता है ये बैक टू बैक मेरे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं अब सबसे पहली चीज़ है कि हमें पता है कि भाई दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल एंड दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल जैसे ही आप जो है ना एक एक मैंने इसमें एक चीज़ नहीं लगाई वो भी लगा लेते हैं इसके अंदर एक स्विच भी लगा लेते हैं यहाँ पर लेट दिस बी अ स्विच ठीक है अब जैसे ही मैं इस स्विच को फ्लिप करूंगा या इसको मैंने ऑन किया या मैंने इसको क्लोज किया स्विच को ऑन कर दिया जैसे ही मैं ऑन करूंगा तो ये वाला जो टर्मिनल है आपके पास जो नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का ये इसके अंदर एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा जैसे ही इसके अंदर एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा ये इलेक्ट्रॉन जो मेरे पास मैंने अभी बनाया है इधर इसको मैं भी कर लेता हूं इस इलेक्ट्रॉन को जैसे ही मैंने इसकी जगह पे ऐड किया तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आएगा सो यू कैन क्लियरली सी दैट कि दिस इंस्टेंटेनियसली यानी एक एक इलेक्ट्रॉन आपने पुश किया दूसरी साइड से एक और इलेक्ट्रॉन निकल आया और यही इलेक्ट्रॉन मेरे पास इधर भी बहुत सारे प्रेजेंट होंगे जाहिर सी बात है ये भी तो वायर थी ना तो ये आप देख सकते हो कि इमीडिएटली एक दूसरे को पुश करते, करते करते काम चलना शुरू हो जाएगा ये ये एक मेजर कॉन्सेप्ट है दिस इंस्टेंटेनियसली है स्पीड ऑफ लाइट ऑलमोस्ट एट द स्पीड ऑफ लाइट लेकिन अगर हम लोग बात करें एक इंडिविजुअल होगा यह बहुत स्लोली स्लोली मूव कर रहे होते हैं यह बड़ा इंपॉर्टेंट आइडिया ये स, इनकी जो मूवमेंट होती है वो बहुत स्लोली होती है लेकिन ये आप देख सकते हो इनकी जो मूवमेंट की जो स्पीड होती है वो बहुत कम होती है आपके सामने मैंने यहां पे लिखा है द चार्ज कैरियर्स मूव एट अराउंड द ऑर्डर ऑफ स्पीड ऑफ मिलीमीटर पर सेकेंड यानी स्नेल स्पेस स्ने चल रहे होते हैं इसको हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट वेलोसिटी वेलोसिटी आई होप दिस दिस इज क्लियर वी कॉल द अच्छा अब सबसे बड़ी बात यह है ये बात मैंने इधर भी लिख ली है कि दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ठीक है ड्रिफ्ट विलोसटी इज डिफरेंट फॉर इच चार्ज कैरियर यानी इसका कहने का मतलब है कि जितने भी मेरे पास यहाँ पे चार्ज कैरियर्स है ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये सब थोड़ थोड़े थोड़े डिफरेंट डिफरेंट स्पीड पे चल रहे होते हैं तो इस वजह से हम लोग एक काम करते हैं कि राधर देन के हम लोग हर किसी की इंडिविजुअल निकाले ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कंसिडर करते हैं विच इज ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस ठीक है अब हम लोग क्या करने वाले हैं अब हम लोग जो है ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं जो कि मैं फार्मूला आपके सामने इधर भी प्रेजेंट कर देता हूं दैट इज़ नोन एज आई इज़ इक्वल टू एन ए वी क्यू हमारे पास एक फार्मूला होगा जिसकी हम लोग डेरिवेशन पूरी की पूरी करेंगे और आपको इस पर ध्यान देना होगा अच्छा गाइज अब जरा समझने की कोशिश करना कि मेरा क्या टारगेट है मैं चाह रहा हूँ कि मैं ये वाला फार्मूला डिराइव करूँ लेकिन इस फॉर्मूला को डिराइव करने के चक्कर में आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि यह जानना जरूरी है कि यह एन क्या है इधर पहले मैं आपको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लूं कि वॉट एग्जैक्टली इज एन एंड वी क्यू ओवर हेयर ओवर इट ये जो एन है इसको हम लोग कहते हैं नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम ठीक है, है? यह बड़ा इंपॉर्टेंट था A क्या है इसको हम लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं ठीक है और वी क्या है दिस इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू बी मोर प्रोसाइस एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहां तक भी पहुंच गए होप रिकॉर्डिंग चल रही चल रही है और Q क्या है ये हमारे पास चार्ज ऑफ द चार्ज कैरियर कूलम्स में आएगा चार्ज ऑफ दी चार्ज कैरियर्स ठीक है कैरियर्स अच्छा अब हम लोग जो है इसके अंदर है चार्ज कैरियर सॉरी चार्ज कैरियर एक चार्ज कैरियर का चार्ज होगा बाकी हमारे पास खुद ही ऑटोमेटिकली हो जाएगा अब इसको निकालने के लिए हम लोग कैसे करेंगे सबसे पहली चीज़ है मैं आपको इसको समझाने के लिए मैं काम करता हूँ मैं अलग तरीके वैसे तो मैंने इधर वर्किंग की हुई है वो नोट्स के तौर पे काम आ सकती है लेकिन मसला ये कि ऐसे समझ में नहीं आएगा मैं इसको जो है एक काम करता हूँ इसको कॉपी करता हूँ इधर इस डायग्राम को पेस्ट करके मैं आपको जो है एक दफ़ा फिर से वर्किंग करके पूरा समझाता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए ठीक है अच्छा हमारे पास एन तो है ही है इसको मैं लिख लेता हूँ एन ठीक है अब जरा सुनो सबसे पहली चीज़ है यू नीड टू रियलाइज इज़ दैट कि ये एल क्या है ये एल लेंथ है या डिस्टेंस है कि हमारे पास ये एवरेज जो ये जो चार्ज कैरियर्स हैं ये इधर से लेकर इधर तक मूव करेगा ठीक है सो एल इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय ईच ऑफ द चार्ज कैरियर्स एवरेज ठीक है सो so, क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं जरा इधर देखो कि एल मस्ट बी इक्वल टू सिंस एल इज द डिस्टेंस राइट डिस्टेंस अगर ये है तो डिस्टेंस किसके बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम के बराबर होता है सो लेट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द चार्ज कैरियर्स या इलेक्ट्रॉन्स इन दिस पर्टिकुलर केस वुड बी v मल्टीप्लाइड बाय t लिख सकते हैं स्पीड इनटू टाइम लिख सकते हैं ये भी लिख लिया हमने वो कोई मसला ही नहीं था l is equal to v into t लिखना कितनी 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 मुश्किल काम है यहाँ तक भी पहुँच गए फिर हम लोग एक और काम करते हैं कि क्या हम लोग वॉल्यूम निकाल सकते हैं वॉल्यूम को मैं पूरा का पूरा ही लिख रहा हूं क्योंकि अगर मैं कैपिटल वी भी लिखूंगा तो हो सकता है वो कंफ्यूजिंग हो जाए सो वॉल्यूम इज इक्वल टू लिख सकते हैं भाई हमें पता है क्रॉस सेक्शनल एरिया लेंथ इज द वॉल्यूम तो वॉल्यूम को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं वी टी मल्टीप्लाइड बाई ए क्योंकि हमें पता है कि एल जो था वो खुद वी टी के बराबर था यहां तक भी पहुंच गए अब हम लोग एक काम करते हैं जरा सुनो सबसे पहली चीज है कि हमारे पास जो एन होता है एन का मतलब होता है नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम ऐसे ही होता है यानी मैं मैं काम कर सकता हूं मैं अभी जो मेरा प्राइम टारगेट है वो ये है कि मैं मुझे पता है कि करंट इज इक्वल टू टोटल चार्ज पर यूनिट टाइम होता है या मैं इसको लिख सकता हूँ टोटल क्यू यानी कैपिटल क्यू ओवर टाइम निकाल सकते हैं या इसको इसको टी लिख सकते हैं इधर ठीक है इसको मैं क्यू टी लिख लेता हूँ ठीक है यहाँ तक भी याद रहेगा हमारे पास अब मुझे टोटल चार्ज निकालना है टोटल चार्ज हम लोग कैसे निकाल सकते हैं कि सबसे पहले अगर मुझे टोटल चार्ज निकालना है तो मैं काम कर सकता हूं इस पर्टिकुलर वॉल्यूम को उठाकर मैं एन से मल्टीप्लाई करूंगा यानी कहने का मतलब है नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करूंगा तो वॉल्यूम वॉल्यूम कैंसिल आउट हो जाएगा नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स निकल आएंगे खुद सोचो इसको तो मैं एक काम करता हूं कि क्यू टी शुड बी इक्वल टू वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय एन इससे मेरे पास टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स निकल आएंगे फिर इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं जैसे फॉर इंस्टेंस इस पर्टिकुलर केस में ये मेरे पास सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो ये टोटल चार्ज आ जाएगा मेरे पास बिल्कुल आ जाएगा आपके पास टोटल चार्ज सो फाइनली हम लोग इसको लिख सकते हैं वॉल्यूम की जगह पर वी टी ए इन टू एन इन टू ई लिख सकते हैं ये तो आ गया क्यू टी सो फाइनली आई मस्ट बी इक्वल टू क्यू टी डिवाइड बाई टी सो दैट इज इक्वल टू वी टी ए इन टू एन इन टू ई डिवाइडेड बाई टी किया तो इसमें से टी और टी कैंसल आउट हो गया अगर टी और टी कैंसल आउट हो गया तो हमारे पास यहाँ पर बच गया आई इज इक्वल टू एन ए वी ई यहाँ तो, तो पहुंच गए बट दिस इज़ फॉर एन इलेक्ट्रॉन ठीक है ये तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन के लिए फॉर्मूला बना लेकिन हम लोग अगर जनरलाइज कर लें कि भाई चार्ज कैरियर्स ई की जगह पर इलेक्ट्रॉन की जगह पर कोई भी चार्ज कैरियर हो देखो बात सिंपल सी ये है कि ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपके पास इलेक्ट्रॉन हो अगर आपके पास जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सेमाई की बात करो तो उसमें तो होल्स भी होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं एक्वर सोल्यूशन में तो पॉजिटिव आयम्स भी होते हैं तो इस वजह से ई की जगह पर बेटर रहेगा कि हम लोग इसकी जगह पर लिखते हैं एन ए वी क्यू Q का मतलब है कि जो भी चार्ज आपके पास है चार्ज कैरियर का चार्ज है वो आप इसमें लगा सकते हो सो यू हैव इट दिस इज ये भी हो गया अब मैं ये तो मैंने आपको करके दिखाई है यहां पर पूरी की पूरी करके दिखाई है आप इसको देख लो एक दफा पॉज करके इसको समझ लो अगर नहीं समझ में आए दोबारा से इस पर रिवाइंड करो और इसको प्ले करो ठीक है यहां तक बात क्लियर हुई आगे चलते हैं ओके okay, गर्ड

हमारे पास रेसिस्टेंस के है वोल्टेज के है इट कैन रेज द टेम्परेचर ऑफ द टैंक ऑफ वाटर फ्रॉम 20 डिग्रीज टू 45 फाइव डिग्री सेल्सियस इन ट्वेंटी मिनट्स। बी केयरफुल, ये जो टाइम के है ये सेकंड्स में नहीं है मिनट्स में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा पहला सवाल हमसे बोलता है कैलकुलेट द चार्ज दैट पासिस थ्रू द हीटर यानी हमें तो चार्ज निकालना है इसका मतलब है कि अगर मुझे चार्ज निकालना है तो चार्ज का जो फॉर्मूला होता था ओ लेवल से याद करो क्यू इज इक्ल टू आई टी होता था टाइम तो है करंट नहीं है करंट हम लोग निकाल सकते हैं आर भी गिवन है वी भी गिवन है सो वी इज इक्वल टू आई आर होता है तो इसका मतलब है आई इज इक्वल टू वी ओवर आर हो जाएगा यानी वोल्टेज हमारे पास कितना हो गया टू थर्टी डिवाइडेड बाई रेसिस्टेंस कितनी है सिक्सटी अगर मैं इसको डायरेक्टली कैलकुलेट करूं या बस इसको ऐसे ही छोड़ के इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेते हैं सो क्यू इज़ इक्वल टू आई की जगह पे मैं लिख रहा हूँ टू थर्टी डिवाइडेड बाई सिक्सटी मल्टीप्लाई बाय जो टाइम है वो है ट्वेंटी मल्टीप्लाइड बाय सिक्सटी कर रहा हूँ ताकि सेकेंड्स में चला जाए टाइम सिक्सटी सिक्सटी कैंसिल आउट हो गए सो फाइनली टू थर्टी एक मिनट टू थर्टी होम आई गॉड टू थर्टी मल्टीप्लाइड बाई ट्वेंटी अगर करते हैं तो यह आंसर आ रहा है मेरे पास फोर्टी सिक्स हंड्रेड कूलम्स ठीक है या आ गया चार्ज दैट पास थ्रू द हीटर फिर मुझे कहता है द एनर्जी डिसिपेटेड बाय द हीटर अच्छा एनर्जी के भी हमारे पास ओ लेवल्स में कुछ फॉर्मूलाज थे जो कि आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए एनर्जी के थे ई इज इक्वल टू आई वी टी था एक फॉर्मूला एक होता था ई इज इक्वल टू आई आर टी होता था और एक होता था ई इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर टी ये आपको पता होने चाहिए वरना फिर आपको ओले बस दोबारा से करना पड़ेगा ऐसा नहीं करो प्लीज़ ठीक है ये आपके पास जनरल फार्मूलास थे जो आपके पास थे हम लोग इसके अंदर जो है अगर मुझे ये निकालना है मुझे अगर इसमें से एनर्जी निकालनी है मैं डायरेक्टली एक लगा सकता हूँ इसमें से भाई वोल्टेज है मेरे पास रेसिस्टेंस भी है टाइम भी है डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं सो ई इज़ इक्वल टू अगर मैं वोल्टेज की जगह पे लगाता हूँ टू थर्टी वोल्ट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस कितनी है सिक्सटी मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है ट्वेंटी इंटू सिक्सटी राइट सो सिक्सटी 60 कैंसिल right? आउट so, हो गया अगर मैं इसमें से निकालता हूँ एनर्जी आ जाएगी टू का स्क्वा मल्टीप्लाइड बाई ट्वेंटी करते हैं

और चार्ज हमारे पास कितना था फोर सिक्स डबल जीरो इस ये भी लगा कर आप डायरेक्टली वैल्यू निकाल सकते हो सेम ही आंसर आना चाहिए ऑलमोस्ट टू थर्टी मल्टीप्लाई बाय फोर सिक्स डबल ज़ीरो सेम ही एग्जैक्ट सेम आंसर आ रहा है तो ये वन पॉइंट जीरो सिक्स इंटू टेन एज टू पावर सिक्स जूस राउंड ऑफ किया है मैंने थोड़ा सा तो ये दो तरीक़ों से मैंने आपको कराया है तो ये आपको आना चाहिए आप खुद भी करके देखो आप भले वीडियो को पॉज करो खुद भी ट्राई करके देखो इसको सही है यहाँ तक भी हो गया अच्छा जी फिर हमारे पास एक और सवाल है जो मैं राइट साइड पर है ये भी कर लेते हैं ये हमें क्या कहता है अ स्टूडेंट वॉन्ट्स टू मेक अ हीटिंग दैट विल पावर आउटपुट ऑफ फोर्टी एट वॉट्स है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ट्वेल्व अक्रॉस एट आई एम ऑल्सो हैविंग

होता है बिल्कुल होता है यार क्या हो गया अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि एरिया है इज द क्रॉस सेक्शन एरिया लेकिन सिंस हमारे पास यहां पे तो डायमीटर गिवन है वी हैव बीन प्रोवाइडेड विद डायमीटर अगर डायमीटर गिवन है तो डायमीटर को तो हम लोग उसके लिए फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं पाए आर स्क्वायर लेकिन इसको हम लोग यूं भी लिख सकते हैं पाए डायमीटर ओवर टू का होल स्क्वायर सो दैट शुड बी इक्वल टू एरिया इक्वल टू पाए डायमी स्क्वायर ओवर फोर लिख सकते हैं इसको इसी फॉर्मूला को उठा के इसमें डाल दें क्यों नहीं डाल सकते सो so ये फॉर्मूला हमारे पास जो बनेगा जाके फाइनली वो बन जाएगा आर इज इक्वल टू रो मल्टीप्लाइड बाई एल डिवाइडेड बाई ए की जगह पर लिख देते हैं पाए डायमी स्क्वायर ओवर फोर या yeah, मैं इसको लिख सकता हूं आर इज इक्वल टू रो इन टू एल इन टू फोर ओवर पाई डी स्क्वायर क्यों नहीं मैथ्स तो इतनी तो मैथ्स आपको शायद आती होगी कि भाई जब ये नीचे फोर्थ है ये ऊपर चला गया ठीक है कन्विंस दिस इज ट्रू देन फाइनली इसमें सिर्फ वैल्यूज डालनी है हमें और काम निकालना है टू पावर मल्टीप्लाई बाय लेंथ इधर हमारा टारगेट है लेंथ तो निकालनी है हमें मल्टीप्लाईड बाय फोर जो है वो फोर ही रहेगा और डिवाइडेड बाय हमारे पास है पाए टाइम्स डाया मीटर हमारे पास हो जाएगा पॉइंट टू फोर इंटू टेन रेस्टू पावर माइनस थ्री और इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है लेकिन एक मसला आ गया हमको हमारे को रेसिस्टेंस भी चाहिए होगी क्योंकि रेसिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास यहां पर पावर गिवन है और यहां पर वोल्टेज भी गिवन है तो पावर का जो फॉर्मूलाज होते थे याद करो ओ लेवल्स में से पी इज इक्वल टू आई वी होता था

डिडेड बाई फोर्टी एट एंडल्यू ऑफ थ्री ओम्स थ्री ओम्स आ गई अब आपको इसके अंदर फॉर्मूला में इनपुट करना है सो थ्री शुड बी टू वन पॉइंट माइनस एट इंटू एल इंटू फोर डिवाइडेड बाय पाए इंटू पॉइंट टू फोर इंटू टेंड्रेड पावर माइनस थ्री का होल स्क्वायर अब मैं जंप कट कर रहा हूं ताकि इसकी लेंथ की वैल्यू निकाल लू ओके गाइज सो फाइनली आई गॉट द वैल्यू ऑफ दी लेंथ एज 10.4 पॉइंट फोर मीटर्स यू मे वॉन्ट टू ट्राई बोथ ऑफ दिज क्वेश्चन प्लीज़ आप इसको ट्राई करके देखो कि आपसे हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं ठीक है आगे चलते हैं आगे चलते हैं अब ये बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो ग्राफ्स हैं ये बड़े प्राइम इम्पॉटेंट ग्राफ्स हैं उनके बारे में मैंने लिखा हुआ है मैं चाहूँगा कि आप इसको बाद में रीड कर लेना लेकिन फॉर द टाइम बींगस एस गो ओवर इट अगर एक मेटल वायर है मेटल वायर अगर गर्म नहीं होती तो उसका जो आपके पास जो है एक मिनट अगर एक सिंपल सी मेटल वायर है इसको मैं एक मिनट लॉक कर लूँ मेटल वायर का जो आई ग्राफ होता है वो इस तरीके से बनता है ठीक है अज्यूमिंग दैट द मेटल डज नॉट हीट अप अगर आपने गर्म कर दिया तो फिर ये जाहिर सी बातें चेंज हो जाएगा इसका कर्व अब फिलेमेंट लैम्प तो हमें अच्छे तरीके से पता है कि फिलेमेंट लैम्प तो गर्म होता ही होता है ठीक है है दैट दैट इज इज मेटालिक वायर बाय द वे तो उसका जो कर्व है, इस तरीके से इतना वाला जो कर्व था वो आप ओ लेवल्स में तो करके आए थे लेकिन एक बात याद रखना कि अब हम लोग ए लेवल की दुनिया में नेगेटिव वोल्टेज के साथ भी खेलते हैं तो ये नेगेटिव साइड पर भी जा सकता है ठीक है आप भले पॉज करके दोनों को एक दफा रीड करना चाहो तो कर लो उसके बाद हम आप थर्मिस्टर की बात करते हैं थर्मिस्टर स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसके बारे में एक मशहूर था कि इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ रेसिस्टर दैट रियक्ट टू द टेम्परेचर नॉर्मली जो आप ओ लेल्स में करके आए थे वो था एन टी सी टाइप थर्मेस्टर उसको हम लोग कहते हैं एन T.C. type टाइप N.T.C. type टाइप का मतलब होता है नेगेटिव temperature coefficient. इसको जाने की इतनी कोई खास ज़रूरत नहीं है N.T.C. type thermistor टाइप में यह होता था कि जैसे जैसे आपके पास आ, temperature बढ़ता था तो उसकी resistance जो होती थी वो N.T.C. type thermistor टाइप की जो resistance होती थी वो कम होती थी गर्मी लगते हैं तो भाई हम कम कपड़े पहनते हैं हल्के कपड़े पहनते हैं तो इस तरीके से याद कर लो एन टी सी टाइप होती होता था यह बेसिकली एन टाइप का ही ग्राफ है आप देख सकते हो कि हमें पता है कि जैसे जैसे हमारे पास वोल्टेज और करंट बढ़ेगा तो गर्म होना शुरू हो जाएगा जब गर्म होना शुरू हुआ तो इसका कर्व देखो किस तरफ जा रहा है आई की तरफ जा रहा है और ये बात मैंने आप लोगों को अच्छे तरीके से सिखाई थी कि अगर ग्राफ आपका करंट की तरफ कर्व होना शुरू हो जाए या करंट की तरफ बेंड हो जाए तो इसका मतलब है कि उसकी रिसिस्टेंस कम हो रही होती है तो ये आपका एन टाइप है हमारे पास थर्मेस्टर डायडोट इज कंपोनेंट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिटी अलाउस करंट टू फ्लो इन डायरेक्शन अब आप इसमें फॉर्वर्ड बाइडर्ड बाशन एंड दिस साइड इज द रिवर्स बायस डायरेक्शन राइट शुरू में फावर्ड बायस में भी एकदम से अलाउ नहीं करता करंट को फ्लो करना थोड़ा सा आपको देना पड़ता है नॉर्मली आपके पास जो होता है जैसे अगर सिलिकॉन बेस्ड आपका डायोड होगा तो उसके लिए कम से कम पॉइंट सेवन इश वोल्ट आपको चाहिए होंगे कि उसको टर्न ऑन करो जैसे ही ऑन होता है तो आप इसमें देख सकते हो कि इसकी रेसिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है ऑलमोस्ट जीरो का मतलब है थोड़ा सा अभी भी कर्व होता है इसमें और कर्व का मतलब है थोड़ा सा थोड़ा सा ग्रेडियंट अभी भी होता है लेकिन इसमें बहुत ही ड्रमेटिकली शो किया आइडियल केस शो किया है तो इसका मतलब है कि इसमें रिसिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो हो चुकी है सही है लेकिन आप एक और चीज़ भी नोटिस करो कि जब आप वोल्टेज को नेगेटिव करते हो रिवर्स पायर करते हो तो इसमें घंटा कोई करंट फ्लो नहीं करता है, तो वो आप देख सकते हो इसके अंदर डायोड ठीक है ये भी हो गया अब इसके बाद हम लोग चलते हैं कुछ ना कुछ सवाल चलते हैं देखते हैं कि और क्या क्या चीजें ये जाना जरूरी था मैं एक काम करता हूं कि इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूं आप चाहो तो इसको जो है अच्छे तरीके से एक दफा रीड कर लो ताकि आपका माइंड जो है बिल्कुल फ्रेश हो जाए सही है गाइस अच्छा जी अब इसके बाद हमारे पास ये चीज़ है जो हमें अभी करना लाजमी है अब ये एक सिंपल सा सवाल है हमने याद है मैंने आपको के बी एल और के सी एल कराया था उसका एक सवाल है जो हम लोग करके देखते हैं कि कैसे होगा फिगर शोज अ सर्किट कैलकुलेट द ई एम एफ ऑफ द सेल ई टू फॉर द करंट थ्रू द एम टू बी जीरो इस एम में ज़ीरो करंट है हमारे पास जीरो एम्पेयर है सही है मुझे ये ई टू की वैल्यू निकालनी है इसके अंदर कैसे निकालेंगे नॉर्मल आपके पास जो ओ लेवल वाले मेथड्स थे वो वो तो काम नहीं आएंगे आप एक काम करो मैंने आप लोगों को पूरा का पूरा क्रिच लॉ सिखाया था याद करो वही अप्लाई करेंगे सबसे पहले एक चीज बड़ी फैक्ट है ये आउटर लूप नजर आ रहा है आपको इस आउटर लूप में उठाकर आप क्रिच्स वोल्टेज लॉ लगा दो इससे हम लोग करंट निकाल सकते हैं आए आई निकल आएगा हमारे पास ये चीज़ प्रैक्टिस से ही आएगी जब तक आप करोगे सवाल मैं कराऊंगा आपको बहुत सारे फेस टू फेस लेकिन फॉर द टाइम बीइंग आप इसमें ये वाला लूप अप्लाई करो अगर आपने ये वाला लूप अप्लाई किया तो इसका मतलब है कि यू कैन इग्नोर दिस पार्ट अभी फॉर द टाइम बीइंग ठीक है पहले तो आई निकालेंगे तो तभी हम लोग आगे जा सकते हैं तो हम लोग एक काम करते हैं कि ये वाला जो है ना इसको मैंने नाम दिया था शायद सुपर लूप नाम दिया था या लूप करंट नाम दिया था या सुपर लूप है ठीक है दिस इज द सुपर लूप ये आप इमेजिनरी हमेशा एंटी क्लॉक वाइज बनाते हो उसके बाद फिर आप बैटरी से स्टार्ट करते हो ये साइड पॉजिटिव है ये साइड नेगेटिव है ये जो सुपर लूप है ये कौन से साइड से निकल रहा है बैटरी के पॉजिटिव से या नेगेटिव से पॉजिटिव से निकल रहा है तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ प्लस टू पॉइंट टू वोल्ट यहाँ तक भी आ गया फिर उसके बाद एक और चीज़ रियलाइज़ करो कि इसके अंदर हमारे पास जो करंट है वो वैसे ही गिवन है जो नॉर्मल जो करंट इसमें फ़्लो कर रहा है तो वो करंट इस तरह जा रहा है हमारे पास ठीक है यूं जाता हुआ जा रहा है तो ये करंट आई है ठीक है तो अगर ये करंट आई है तो सबसे पहली चीज़ है कि इसमें मैं लगा सकता हूँ क्योंकि करंट और सुपर लूप के डायरेक्शन सेम है तो माइनस करते थे याद करो वही मर्सिडीज और वाली बात के अगर ये हेड ऑन कोलिशन होती थी इन दोनों की तो हम लोग ऐड करते थे तो अभी हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा माइनस i टाइम्स सिक्स और फिर एक और चीज रियलाइज करो कि भाई इसमें इसने खुद कहा है कि करंट हमारे पास जीरो है तो यहां पे जब करंट जीरो होगा तो एक फैक्ट है कि जो करंट यहां से जा रहा होगा वो यहां से भी जा रहा होगा तो इसका मतलब है कि हमारे पास हो जाएगा माइनस आई इंटू फोर फिर ये घूमता हुआ हमारे पास यहाँ से जाते हुए हम लोग यहाँ पे आए तो यहाँ पे भी एक रेसिस्टेंस लगी हुई है छोटे आर से मैंशन हुआ हुआ है तो ये हो जाएगा माइनस uh, ये हो जाएगा आई इन टू वन लिख सकते हैं इसको एंड दैट शुड बी इक्वल टू जीरो क्योंकि लूप खत्म हो गया तो इससे हम लोग एटलीस्ट करंट की वैल्यू तो निकाल सकते हैं तो ये हो जाएगा टू पॉइंट टू इज इक्ल टू सिक्स आई प्लस फोर आई प्लस आई एंड दैट शुड बी इक्वल टू इलेवन आई एंड शुड भी टू तो आई की वैल्यू हम लोग निकाल सकते वैल्यू so, निकलेगी टू पॉइंट टू डिड बाईन किया तो दैट बीवल टू पॉइंट टू आई इज इक्वल टू पॉइंट टू एम्पियस हमारे पास आ गया करोग काम करते हैं जब ये पार्ट हो गया तो हम लोग हमें ई टू निकालना है तो हम लोग एक काम कर सकते हैं सुपर लूप जो है इधर एक छोटा सा सुपर लूप बना लेते हैं इसके अंदर वो भी एंटी क्लॉक वाइज बनेगा इसके इसको कंसिडर करते हैं हमें इतना पता है कि इसमें से जो करंट पास हो रहा है ये तो अभी हमने निकाल लिया था वो पॉइंट टू था लेकिन हमें पता है कि इधर कहीं पे भी करंट नहीं है हमारे पास ठीक है तो अगेन हम लोग अप्लाई करते हैं तो सुपर लूप जो है वो E2 की बैटरी में से कौन सी साइड से निकल रहा है नेगेटिव साइड से निकल रहा है तो इसको लिख सकते हैं माइनस ई टू और फिर सुपर लूप और ये वाला जो करंट है ये जो पॉइंट टू है ये सेम डायरेक्शन में है तो माइनस पॉइंट टू मल्टीप्लाइड बाय फोर लिख सकते हैं और हमारा लूप टर्मिनेट हो गया ए की तो कोई औकात है ही नहीं इज इक्वल टू जीरो सो फाइनली ई टू शुड बी इक्वल टू माइनस पॉइंट टू फोर यानी ये हो जाएगा माइनस पॉइंट एट वोल्स यानी ई टू की जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस पॉइंट एट वोल्स ठीक है यानी बैटरी आप उल्टी लगाओगे तो फिर सीधी हो जाएगी ये आंसर हमारे पास आ रहा है ये भी हो गया हमारे पास सही है यहां तक तो हमने कर लिया दिस इज वन क्वेश्चन दैट वी हैव डन अब है मेरा मेन टारगेट ये होगा कि मैं यहां से लेकर इधर तक की आपको डेरिवेशन करा दूं एंड देन आई विल डिसमिस द क्लास क्योंकि इंटरनल रेसिस्टेंस इज समथिंग दैट आई विल प्रेफर एक्सप्लेनिंग डायरेक्टली इन द क्लास ठीक है थोड़ा सा रह गया है बस कर लो मेरे साथ अब मैं एक काम करता हूँ इस सारी वर्किंग को इधर मिटा देता हूं ताकि मैं आपको जो है स्ट्रेट अवे डेराइव करके दिखाऊँ क्योंकि अगर मैं सिर्फ वर्किंग को रीड करूंगा तो यार वो बात समझ में नहीं आती है अब ये है रेसिस्टर्स इन सीरीज यार बचपन से ओ लेवल से आपको पता है कि आर टी शुड बी इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर, प्लस आर थ्री होता है लेकिन ये चीज़ मैं आपको प्रूफ करके दिखाना चाहता हूं कि आया कैसे है ये हमारे पास लेट्स डू दैट सबसे पहली चीज़ है कि इसके अंदर भी हम लोग जो है वो क्रेचोस वोल्टेज लॉ यानी के वी एल लगा सकते हैं यानी सुपर लूप की डायरेक्शन ये कर ले हम लोग सही है हमेशा यही होगी दूसरी बात है इसके अंदर जो नॉर्मल करंट है वो हमारे पास गिवन है डायरेक्शन तो इसका मतलब है ये साइड पॉजिटिव होगी ये साइड नेगेटिव होगी जाहिर सी बात है और ये जो सुपर लूप है ये वी के किस साइड से निकल रहा है पॉजिटिव साइड से निकल रहा है तो इसका मतलब है ये हो जाएगा प्लस वी यहां तक भी पहुंच गए और फिर सुपर लूप और जो नॉर्मल वाला जो करंट है जो काला वाला जो करंट है वो सेम डायरेक्शन में है, तो माइनस हो जाएगा यानी माइनस आई आर वन प्लस सॉरी फिर आ जाएगा माइनस आई आर टू फिर आ जाएगा माइनस आई आर थ्री एंड दैट शुड बी इक्वल टू जीरो यहाँ तक भी पहुंच गए सो वी शुड बी इक्वल टू आई कॉमन आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री लिख सकते हैं इसको इतना तो कर लोगे दो मिनट ब्रेक लगाओ पॉज करो खुद करके देखो कि ये बना या नहीं बना यहां तक बन गया फिर हम लोग इसको यूं भी लिख सकते हैं वी ओवर आई इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री लिख सकते हैं यहां तक भी पहुंच गए फिर एक और चीज है कि भाई अगर ये पूरा का पूरा लूप है तो V ओवर I यानी टोटल करंट ओवर टोटल यानी सॉरी टोटल वोल्टेज ओवर टोटल करंट करोगे तो क्या आता है हमें पता है कि V ओवर I जो है that is equal to RT होता है टोटल रेसिस्टेंस के बराबर आता है सो so, इसका मतलब है आर टी शुड बी इक्वल टू कंपेयर किया मैंने इन दोनों को ये और ये दोनों सेम है तो इसका मतलब है ये और ये भी दोनों सेम होंगे सो फाइनली आर टी शुड बी इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री कैसा दिया प्रूव हो गया ये भी हो गया अब हम लोग चलते हैं ज़रा पैरेलल वाले सर्किट पे उसका भी हम लोग बनाते हैं किस तरह बनाएंगे अभी चलते हैं उस पर ठीक है अच्छा जी अब थोड़ा सा रह गया बस इसको कर लेते हैं उसके बाद फिर आप अपना चिल करो जो भी करो अच्छा फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें यार इसके अंदर डायग्राम करना थोड़ा सा फ्लो है इसको आर मार्क कर लेते हैं आर मार्क कर लेते हैं इसको आर मार्क कर लेते हैं ठीक है ये वन सेकेंड दिस इज़ पॉजिटिव एंड दिस इज़ नेगेटिव अब इसको हम लोग क्या करें इसके अंदर एक चीज़ तो साफ साफ नज़र आ रही है आप इसमें के सी एल नज़र आ रहा है आपको गौर से देखो के सी एल का मतलब होता है कि द सम ऑफ करंट्स एंट्रिंग नोड इज़ इक्वल टू सम ऑफ करंट्स लीविंग द नोड तो नोड ये रहा है एक हमारे पास नजर आ रहा है तो इधर हम लोग एक लगा सकते के सी एल के हिसाब से आई शुड बी इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री लिख सकते हो यहाँ तक तो पहुँच गए हम लोग अच्छा ठीक है यहाँ तक भी पहुँच गए फिर उसके बाद आप एक और चीज़ रियलाइज़ करो कि क्या हम लोग एक और चीज़ है के भी लगा सकते हैं इसमें क्यों नहीं लगा सकते के लेकिन के जो है ना थोड़ा सा इसमें मुश्किल नज़र आएगा एक सुपर लूप इंडिपेंडेंटली ये वाला होगा हमारे पास इस तरीके से घूमता हुआ जाएगा ये एक सुपर लूप हो गया दूसरा जो सुपर लूप होगा वो ये वाला होगा हमारे पास तीसरा जो होगा वो फिर ये वाला होगा सुपर लूप इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं इसको खैर मैंने आपको बता दिया सुपर लूप लगाएंगे तो सबसे पहले पहले वाले में ही लगा लेंगे तो दूसरे वाले और तीसरे वाले के लिए सेम ही हो जाएगा वो बनाते हैं अप्लाइंग के बी एल मैं लिख रहा हूँ इधर अप्लाइंग के बी एल दैट शुड बी इक्वल टू हमारे पास अगर सुपर लूप घूमेगा तो ये हो जाएगा मैं अब डायरेक्टली कर रहा हूँ सो वी शुड बी इक्वल टू आई वन आर आर वन ये आप प्रूफ करके देख लो कि यही आना चाहिए आपके पास ये आ गया फिर हमारे पास इसी सिमिलर फैशन से हमारे पास हो जाएगा V शुड बी इक्वल टू I2 R2 एंड V इज इक्वल टू I3 R3 ये डायरेक्टली के वी एल से आए आप वैसे भी कॉमन सेंस है यार जो वोल्टेज इधर होगा वही वो वोल्टेज इधर भी होगा वही वो वोल्टेज इधर भी होगा वही वो वोल्टेज इधर भी होगा आप ऐसे भी देख सकते हो लेकिन इन द बैकग्राउंड वी डिड अप्लाई के वी एल ओवर हेयर खैर यहां तक तो पहुंच गए अब इसके बाद हम लोग एक काम कर सकते हैं कि आई की आई शुड बी इक्वल टू टोटल वोल्टेज ओवर टोटल रेसिस्टेंस लिख सकते हैं इसको क्यों नहीं लिख सकते है? लिख सकते हैं जाहिर सी बात है टोटल वोल्टेज हमारे पास है डायग्राम के अंदर तो टोटल रिसिस्टेंस भी हम लोग निकाल सकते हैं तो फिर मैं एक काम कर रहा हूं आई इजल टू आई वन प्लस पहुंचे अगर हम लोग यहां तक पहुंच गए तो इसके अंदर मैं I की जगह पे लिख रहा हूँ V ओवर आर टी आई वन की जगह पर यहां से हम लोग निकाल सकते हैं ये हो जाएगा V ओवर आर वन प्लस वी ओवर आर टू प्लस वी ओवर आर थ्री यहां तक पहुंचे अब अक्रॉस द बोर्ड वी कॉमन लेकर वी कैंसिल आउट हो जाएगा सब में तो इसका मतलब है कि वन ओवर आर टी इक्वल टू वन ओवर आर वन प्लस वन ओवर आर थ्री तक पहुंच गए अब इसी को हम लोग रीअरेंज करके लिख सकते हैं आर टी शुड बी इक्वल टू वन ओवर आर वन प्लस ओ भाई वन ओवर आर टू प्लस वन ओवर आर थ्री लिख सकते हैं इसको एंड रेस टू पावर -1 लिख दें तो ये हो गया आपके पास बन गया आपके पास जो कि हमारे पास स्टैंडर्ड था खैर दिस इज इट इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी डूइंग इंटरनल रेजिस्टेंस इंशाल्लाह फेस टू फेस होगी रिकॉर्डिंग तो एज यूजुअल मैं करता हूं सिर्फ हाँ ये केसी और केवीएल की मैंने रिकॉर्डिंग नहीं थी क्योंकि ड्यू टू टेक्निकल रीजन वो भी मैं हो सकता है किसी टाइम पे उठा के डाल दूंगा लेकिन नेवर दर लेस दिस इज वॉट वी डेट टूडे एनी वेज गाइज आई होप यू एंजॉय दिस दिस इज शॉर्ट एंड स्वीट लेक्चर हैव हैव फन फन